हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेट पावर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो क्या क्या वो एक्टिविटीज़ आप घर पे ही बैठ के करवा सकते हैं, आज मैं वो बताने वाली हूँ। उनको करवा कर आप अपने बच्चे का कॉन्सेंट्रेट पावर बढ़ा सकते हैं। और इन एक्टिविटीज़ के कराने से बच्चे ना तो फ़ोन देखेंगे ना ही टीवी देखेंगे, उनको इस एक्टिविटी में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या है। सबसे पहले है, इस तरीके से मैंने एक बॉक्स में सब तरीके की शेप्स बना दी हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर की एंड ओवल, सब तरीके की मिक्स कर दिए हैं। तो इसमें फाइंड करना है, फाइंड द शेप्स फाइंड करनी है। पहले फाइंड करनी है कि इसमें कितनी शेप्स हैं, हाउ मैनी शेप्स इन द बॉक्स, इस बॉक्स में कितनी शेप्स हैं। तो बच्चे काउंट करके इसमें शेप्स को यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताना है बच्चों को कि इसमें सर्कल कितने हैं, सर्कल कितने हैं, वो काउंट करके उनको यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड है स्क्वायर, स्क्वायर कितने हैं वो काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे। ओवल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरीके से सब चीज़ें बच्चे इसमें से फाइंड करके जितने भी नंबर होंगे उनको नंबर में लिखेंगे। जैसे कि सर्कल है, सर्कल कितने हैं इस बॉक्स में, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 है, ये ओवल है 6, तो 6 इसमें सर्कल है। इस तरीके से बच्चे बताएंगे। नेक्स्ट है असेंडिंग द ऑर्डर, इस तरीके से सर्कल में नंबर दे देंगे। ये मैंने कम दे रखे हैं, आप थोड़ा 4 या 5 भी दे सकते हैं। तो इसमें से असेंडिंग ऑर्डर बच्चों को बताने होंगे। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे छोटा आता है, उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा है इसमें 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद है 14, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा है 27। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को करा सकते हैं। और इन एक्टिविटीज़ में बच्चों को बहुत मज़ा आता है करने में, और बच्चे फनी तरीके से सीख भी जाते हैं अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट में डिस्केंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा, बड़ी वाली डिजिट आती है, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में सबसे छोटी। तो इसमें सबसे बड़ी है 55, उसके बाद 53, उसके बाद में 17, इसी से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने ये मिक्स शेप बनाई हुई है, मिक्स शेप बनाई हुई है, और इसमें बच्चों को बोलेंगे फाइंड द शेप, शेप फाइंड करने के लिए कि इसमें सर्कल कितने हैं, सर्कल कौन सा है। तो ये वाला सर्कल है, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा स्क्वायर एंड ये रेक्टेंगल। तो इस तरीके से बच्चे इसमें फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन, हमने 4 शेप्स दे दी है बच्चों के लिए, इसमें से फाइंड करना है जो सबसे, इन कोई 3 इसमें सेम है और 1 इसमें अलग है, तो ये फाइंड करने के लिए बोलेंगे। अब ये दोनों देखो, ये दोनों दोनों ऐसे मिली हुई है, एक दोनों एक दूसरे को काट रही है, इसमें छोटी बड़ी है लेकिन सेम पैटर्न बना हुआ है, इसमें भी छोटी बड़ी है लेकिन सेम पैटर्न बना हुआ है। लास्ट वाले में क्या है, इसमें अंदर छोटा वाला सर्कल अंदर है, इन सब में बाहर है। तो सबसे ऑड कौन सा हो गया, सबसे अलग जो शेप हो गई है वो ये वाली हो जाएगी। तो इससे तो गाइस, इन सब एक्टिविटीज़ को करके आप अपने बच्चे का कॉन्सेंट्रेट पावर बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, और बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है इस एक्टिविटीज़ को करने के लिए करने में। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।